हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन डाटाबेस से वैल्यू निकाल के उसको प्रिंट करेंगे पीएचपी के थ्रू। पिछले वीडियो में अपने देखा डाटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन उस डाटाबेस को एक अलग फाइल में होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड से और डाटाबेस नाम से इंफॉर्मेशन रख के नई फाइल में डाल दिया। उस फाइल को अपन को या इंक्लूड करा लेते हैं तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले डाटाबेस कनेक्टिविटी हो जाती है। अब अपना डाटाबेस है जिसके अंदर स्टूडेंट के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसको निकाल के प्रिंट कराना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम डी ए बी फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। इसको वेरिएबल डी बी क्वेरी में स्टोर करते हैं। अब माई एस क्यूएल क्यूरी ये क्या करता है, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा। उसको एग्जीक्यूट करके इसको अपने वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। अगर टेबल नहीं है या डाटाबेस में कोई एरर जनरेट हुई तो अपन इस एरर को करा देते हैं माई एस क्यूएल एरर, नहीं तो एल्स में जाते हैं। एल्स में देखते हैं माई एस क्यूएल नंबर ऑफ रोज, ये रिटर्न करती है कितनी रो इस क्यूरी के द्वारा एग्जीक्यूट होने के बाद रिटर्न हो रही है। तो नंबर ऑफ रो वेरिएबल में आ जाता है। अगर नंबर ऑफ रो जीरो से ज़्यादा है तो अपन इस लूप में चले जाएंगे और इंफॉर्मेशन प्रिंट करा देंगे, नहीं तो अपन नो रिकॉर्ड प्रिंट करा देंगे। अब देखते हैं इसमें यह है लिस्ट, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम उतने वेरिएबल क्रिएट करते हैं। फर्स्ट नेम के लिए, लास्ट नेम के लिए, डी ओ बी तो डी ओ बी के लिए, इक्वल टू माई एस क्यूएल फेच रो। ये क्या करता है, जब भी एग्जीक्यूट होकर डाटा आ रहा है उसकी एक एक रो को भेजता जाएगा। वो अपन फर्स्ट नेम लास्ट नेम डी ए बी में लिस्ट के थ्रू लेते रहेंगे। अब इसमें टेबल से डाटा एक से ज़्यादा आ सकता है तो अपन ये वाइल लूप चला रहे हैं। इसके ब्रैकेट में अपन इको फर्स्ट नेम स्पेस एल ए बी डी ए बी को प्रिंट कराते हैं। इस तरह अपन चला के देखते हैं। यहाँ पर देखा ये अपनी फाइल है ये डेटा, इसमें अपन प्रिंट करा देते हैं। अपन चेक करते हैं ये आगे सेम डेव 2000 अपने डाटाबेस में देखते हैं। सेम डेव तो सेम टू सेम आगे इसको भी अपन ऐसे कर सकते हैं ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम सेंडिंग सेव करते हैं। अब इसको देखते हैं दोबारा एग्जीक्यूट करके देखो इस तरह आ जाते हैं। तो इस तरह अगर ऑर्डर भेजना है तो अपन ऑर्डर भाई लगा सकते हो। ठीक है, थैंक्स।